मुझ पे मत रो जरा, खुद के मेरे बच्चों के मुझ पे मत रो श्री के रास्ते में नाम का यीशु तीसरी बार कहता है ऐसी हम ये सजदा तेरी हम करते हैं मेरा कि तीसरी बार कहना तुम्हारे लिए एक नमूना है कि बार बार कहने के बावजूद मैंने अपना फैसला नहीं बदला और यही तमन्ना मैं तुमसे रखता हूँ कि जब तुम मेरी तरफ आने का इरादा करते हो जब तुम इबादत के लिए तैयार होते हो तो जरूर अपने काम अपनी बुलाहट और अपनी इबादत मुकम्मल करके ही जाओ क्योंकि बार बार तुम ऐसा करने से तुम सब चीजों पर वाले पाओगे जैसा मैं वाले पाया हूं। ऐ खुदावन्द यीशु तेरा इरादा मसूम था और तेरी सोच बुला हार की तरह नहीं बल्कि मुस्तकबिल पर नजर करता और तू हमारे शानदार मुस्तकबिल को देखना चाहता है। ऐ खुदावन्द तू तीन बार गिर कर फिर उठ खड़ा हुआ, हम जो बार बार गिरते हैं तू हर बार नए जोश और अजम के साथ खड़ा हुआ, अपनी सलीब उठा कर तेरे लक्ष्य कदम पर चलते और जिंदगी की तरह बढ़ते जाते। ऐ खुदा हम पर रहम कर। ज़ालिमों का सितम बरसे यीशु के हम तेरे पीछे आए तुझसे बरकत हासिल की जिंदगी की रोटी तेरे साथ खाई, हम हमेशा अपनी ख्वाहिशात मुताबिक रहकर वक्त पड़ने पर हैवान पर तकिया कर बैठते हैं, इसलिए तूने हमारी बरमी अपने कपड़ों से ढांक दी और कुछ शर्मिंदगी की परवाह ना की और ना ही अपने कपड़ों के लिए मुजामत की। ऐ खुदावन्द हम पर रहम कर। जिसने तेरे से कपड़े उतारे जिस गाओ तेरे पैर से हैं जिसने तेरे से कपड़े उतारे। श्री के रास्ते का ग्यारहवां मुकाम खुदा यीशु को मसलूब किया जाता है ऐ मसीह हम तुझे सजदा तेरे हम करते हैं। ये लोग मेरे हाथ और पैर जो पूरे मेघों को जो तुमने मेरे लिए तैयार की है तुम्हारी आंखें हैरान हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या तुमने सुना नहीं था जब मैंने कहा था कि जो तेरे दाएं गाल पर तमाचा मारे बाएं उसकी तरफ फेर दे, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो लानत नहीं बल्कि बरकत चाहो, उनसे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं मगर रूह को कत्ल नहीं कर सकते।